नमस्कार दोस्तों, आज हम बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी बनाएंगे जो कि खाने में हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप इसे पहली बार भी बनाएंगे तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। इसमें सारे छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ। यहाँ हमने बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा हींग डाला, नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, आधा कप रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको भी मिला दिया। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करेंगे। पानी इतना मिलाएंगे कि नॉर्मल इसका डो तैयार हो, जैसे कि हम रोटी का डो बनाते हैं उसी तरीके से, ना ही ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा गीला, नॉर्मल। इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक हमने ये रोस्टेड पीनट्स लिया है, इसके छिलके निकाल लेते हैं और इसका हम थोड़ा सा दरदरा पाउडर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं। तो यहाँ पर हमने खलबट्टा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा इसको दरदरा कूट लेते हैं। तो इस तरीके से इसे रेसिपी में डालेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ऐसे बीच बीच से बस पीनट्स टूटनी चाहिए। अब हम नमकीन बनाने के लिए मोटे सांचे का यूज़ करेंगे। इसका नमकीन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तभी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। खाने में बीच बीच में अच्छा क्रिस्पीपन लगता है यदि मोटे सांचे से हम नमकीन बनाते हैं। चाहे तो आप पतले वाले से भी बना सकते हैं यदि आपके पास मोटा सांचा नहीं है। तो इसको हमने डीप फ्राई कर लिया है। यदि आपको नमकीन से बनाना है तो आप इसका पतले सांचे से नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून तेल लिया है, तेल को भी हल्का रोस्ट कर लिया है। फ्राई पैन में थोड़ा सा घी लिया है। आपके पास यदि सूखा वाला नारियल है तो नारियल को बीच बीच से काट लें और इसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। अब इस नारियल को भी तेल के साथ मिला देते हैं। अब यहाँ पर हमने आधा केजी गेहूं का आटा लिया है। आटे को हमने पहले से अच्छे से छान लिया है, नॉर्मल जो डेली यूज़ करते हैं खाने के लिए रोटी बनाने को। और यहाँ पर आधा केजी चावल का आटा लिया है, इसको भी अलग से रोस्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमें कोई भी मोयन नहीं डालना है, घी वगैरह नहीं डालना है, नॉर्मल इसको भूनना है। मीडियम टू स्लो गैस करके इसको लगभग मिनिमम कम से कम 25 से 30 मिनट तो भूनेंगे ही, क्योंकि स्लो गैस करके इसको भूनते हैं तो बहुत ही अच्छे से भुनता है और गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है, यही मेन इसकी ट्रिक है। यदि आप इसको अच्छे से नहीं भूनेंगे, जल्दबाजी में तेज़ गैस करके इसको भूनेंगे तो वो जल भी जाता है और उससे अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसका कच्चापन भी दूर हो जाना चाहिए। यदि अच्छे से नहीं भुनेगा तो पेट के लिए भी सही नहीं रहेगा, पेट को गरिष्ठ कर जाता है। तो इसको भूनना ज़रूरी है। हमने गेहूं का आटा अच्छे से भून लिया है, तो इसको भी हम साथ में तिल और नारियल के साथ मिला दिए हैं, जब तक कि हम एक साइड चावल के आटे को भून जाने देते हैं। अब एक कढ़ाई में हमने आधा केजी गुड़ ले लिया है, तो गुड़ को पहले से अच्छे से फोड़ लिया था और इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसकी हम चाशनी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो सच में आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब चाशनी बनाने की भी ट्रिक है, तो आप आगे बने रहें, सारी इसमें ट्रिक शेयर करूँगी। तो इसको मीडियम टू स्लो गैस करके इसको पकने देते हैं चाशनी को। जब तक हमारी चाशनी पक रही है तो इसको हम कढ़ाई से बड़े बर्तन में पलट लेते हैं आटे को, ताकि लड्डू बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये चावल का आटा भी अच्छे से भुन गया है, तो चावल के आटे को भी इसमें हमने मिक्स कर दिया है। दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें ये पीनट्स का जो पाउडर बनाया है तो उसको भी मिला दिया है। ये नमकीन बनाकर तैयार किया था तो इसे भी मिला देते हैं। आधा बेसन से हमारा नमकीन भी बनकर तैयार हो गया है घर के लिए। तो इस रेसिपी को बनाने में 2 फायदे हो जाते हैं कि आपके लड्डू भी बन जाएंगे और नमकीन भी बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने इसमें नमकीन मिला दिया है। नमकीन को हाथ से बहुत ज़्यादा फोड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिक जब हम लड्डू बनाएंगे तो वो फूट जाएंगे। चाशनी भी हमने रेडी कर ली है, देखिए इसमें उबाल भी आ गया है चाशनी में, और इसको छूकर देखा तो हाथ में ये चिपक रही है। ऐसा नहीं कि 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बना रही कि हाथ में छूने पर 1 या 2 तार बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें गर्मा गर्म में इसमें मिलाना है चाशनी, तो हमने अभी आधा ही मिलाया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके फटाफट से किसी भी चम्मच से इसको मिला लें। तो ऐसा भी कुछ अदर आइटम बनाती हूँ जैसे कि लड्डू वगैरह, तो मेरी माँ है ना, जो सासू माँ, बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि पहले के लोग हैं ना जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं लड्डू या कुछ भी दूसरी चीज़ें बनाए। तो ये जो बची हुई ना कढ़ाई में चाशनी थी उसे भी मिला लिया है। एक साइड मैंने कटोरे में पानी रख लिया है कि यदि ये लड्डू बनाने में गर्मा गर्म लगेगा तो हाथ पानी में डाल सकते हैं। तो अच्छे से ये मिक्स हो गया है
और इसको गर्मा गर्म में ही बनाना होता है। यदि आप लेट करेंगे तो ये जो लड्डू है ना ये बन नहीं पाएंगे। मेरी माँ ऐसे तरीके से मिक्स करती जाती है हाथ से, वैसे आप देख सकते हैं ऐसे भी करके आप कर सकते हैं। गर्मा गर्म बनाने में ना हाथ में भी चिपकते हैं ये लड्डू, तो थोड़ी सावधानी पूर्वक ही बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये खाने में सच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें मेन यही ट्रिक है कि आप लड्डू बनाएं तो चाशनी बनाने का विशेष ध्यान रखें कि आपकी चाशनी परफेक्ट बननी चाहिए। यदि आप चाशनी को कम उबालेंगे तो ये लड्डू बंधेंगे ही नहीं, बांध ही नहीं पाएंगे वो। और यदि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी कर लेंगे तो ये दिक्कत होगा कि एक या दो दिन में वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, कि वो फूट नहीं पाएंगे। यदि हार्ड भी हो गए तो कोई बात नहीं, आप हथौड़े से फोड़ कर खा सकते हैं। तो आपको मैंने हिंट भी कर दिया। तो फ्रेंड्स ये लड्डू आपको बहुत पसंद आएंगे। जो मीठा भी पसंद नहीं करता ना तो उसे भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसमें बीच बीच में नमकीन मिला हुआ है। खाने में बीच में नमकीन टेस्ट आता है और थोड़ा सा मीठापन लगता है, तो ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पर यदि नए हों, पहली बार जुड़े हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स ओके, टेक केयर, बाय बाय, जल्द मिलते हैं।